नागौर जिला मुख्यालय स्थित सैनिक क्षत्रिय माली समाज के तत्वाधान में आगामी रामनवमी 10 अप्रैल को होने वाले तृतीय सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों को लेकर कल एक बैठक का किया गया आयोजन। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष रामस्वरूप पंवार, विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास महाराज स्मारक विकास संस्थान अमरपुरा के कोषाध्यक्ष कमल भाटी तथा समाज के अन्य बंधु रहे उपस्थित। गौरतलब है कि इस बार 141 वर वधुओं का सामूहिक विवाह के लिए हुआ है रजिस्ट्रेशन। आगामी 10 अप्रैल को सामूहिक विवाह समारोह के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संभावित आगमन को देखते हुए भी पुलिस के अधिकारियों द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण कर समिति के पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक सुझाव। इस दौरान विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने चेनार में संभावित सभा स्थल का मुआयना करते हुए माली समाज के प्रबुद्ध जनों से कार्यक्रम के बारे में ली विस्तार से जानकारी। सैनिक क्षत्रिय माली समाज तीन गांव न्यात की तरफ से ये तीसरा सामूहिक विवाह आयोजन होने जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में 141 जोड़ों का आयोजन हुआ है। इसमें माननीय अशोक जी गहलोत साहब पधार रहे हैं। 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे पधार रहे हैं। वर वधु को आशीर्वाद देंगे 2 बजे। और नागौर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार चोरी करने के बाद आरोपी जोधपुर की तरफ हुए थे फरार। इस दौरान टांगला टोल नाके पर फास्टैग के जरिए रुपए कटने पर मालिक को चला पता, जिसके बाद पुलिस को दी गई सूचना। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा करना किया शुरू तथा पीछा करते हुए कार को कर लिया बरामद तथा आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागौर शहर निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर दी गई है शुरू। गौरतलब है कि नागौर शहर की इंदिरा कॉलोनी से चोरी हुई थी कार। कोचामन सिटी के निकटवर्ती ग्राम सिंधपुरा में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। किसान खेताराम और मंगलाराम कीचड़ के घर चल रहा था 200 टन का कार्यक्रम। खेत में खड़ी गेहूं की करीब 1.5 बीघा की फसल जलकर हुई राख। मौके पर उपस्थित किसानों और ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों और ट्रैक्टर के जरिए आग बुझाने का किया प्रयास। आग बुझाने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के ढेर बाबा स्थान के सामने खेत में पेड़ से फांसी के फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। अज्ञात परिस्थितियों में 45 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। सूचना पर पुलिस एवं लोग पहुंचे मौके पर। मृतक की पहचान मिसाराम रेगर निवासी रियाबड़ी के रूप में हुई। रोडवेज बस बीकानेर डिपो के परिचालक श्रवण राम ने कुचेरा निवासी शुभम सोनी के सोने के आभूषण लौटाकर ईमानदारी का दिया परिचय। जानकारी के अनुसार कुचेरा निवासी शुभम सोनी शनिवार को नागौर से कुचेरा रोडवेज बस में कर रहे थे यात्रा। यात्रा के दौरान सोने के आभूषण गिरे बस में। घर पहुंचकर आभूषण गिरने का पता चलने पर कुचेरा बस स्टैंड पर जयराम देवासी से बात कर बस के परिचालक को दी गई सूचना। परिचालक ने बस में तलाशी लेकर प्राप्त किया आभूषण तथा दूसरे दिन रविवार को 12 बजे कुचेरा पहुंचने पर सोने के आभूषण लौटाते हुए ईमानदारी का दिया परिचय। परबसर में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2022 में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोलने की घोषणा पर रविवार को धन्यवाद सभा का हुआ आयोजन। परबसर डाक बंगले पर विधायक रामनिवास गावड़िया का 22 किलो की माला एवं साफा पहनाकर किया गया स्वागत। इस मौके पर दलित समाज की ओर से पाली में हुई घटना में न्याय की मांग करते हुए समाज बंधुओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। नागौर शहर के अगरसेन शारदा बाल निकेतन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के दूसरे दिन कथा करते हुए संत हरिशरण महाराज ने श्रोताओं को जीवन और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात बचने वाले धन के सदुपयोग के बारे में प्रवचन देते हुए परोपकार का पढ़ाया पाठ। उन्होंने सेवा से ही व्यक्ति के जीवन निर्माण और सफल होने की दी शिक्षा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। नागौर में अभी बाजरवाड़ा में जो शारदा बाल निकेतन स्कूल है बाजरवाड़ा में, उसमें श्री महाराज जी हरिशरणम जी जो वृंदावन वाले हैं उन महाराज जी की अभी कथा का प्रोग्राम चल रहा है। ये 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। अभी
मेरा आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। नागौर नगर में स्थित शिवबाड़ी ब्रह्मपुरी मोहल्ले में स्वागिन महिलाओं ने गणगौर पूजन करते हुए अलग अलग अंदाज में गणगौर को हल्दी एवं मेहंदी की रस्म की अदा। इस आयोजन के दौरान महिलाओं ने अलग अलग परिधान पहनकर मेहंदी कलर की साड़ी पहनते हुए अनूठी प्रक्रिया में महिलाओं ने गणगौर माता के गाए गीत। डीडवाना में आरएसएस के पथ संचलन रामनवमी रैली एवं माह रमजान को लेकर सीएलजी सदस्यों एवं धार्मिक संगठनों की बैठक का हुआ आयोजन। जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी राजकुमार ने थाना परिसर में बैठक लेते हुए आगामी 5 अप्रैल को होने वाले आरएसएस संगठन द्वारा पथ संचलन, 10 अप्रैल को रामनवमी के पर्व एवं वर्तमान में रमजान माह के विभिन्न आयोजनों के संदर्भ में सीएलजी सदस्यों से सभी पर्व शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने का किया आग्रह। बैठक में पथ संचलन मार्ग पर सड़क पर यातायात व्यवस्था के संदर्भ में भी की गई चर्चा। नागौर शहर में एक ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां परिवहन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान तथा जब्त करने की कार्रवाई। ऑटो चालक अपनी ऑटो में 13 सवारियां बैठा कर गुजर रहा था बीच शहर से, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने रुकवा कर लिया जब्त। मौलासर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शंखनाद पथ संचलन निकाला गया। हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा विराट पंथ संचलन का रखा गया आयोजन। संघ संपर्क प्रमुख पंकज कुमार ने बताया कि मौलासर क्षेत्र के संघ दृष्टि से 8 मंडल और 40 गांव का रहा प्रतिनिधित्व। इस अवसर पर कार्यक्रम में जोगा मंडी डीडवाना के महंत लक्ष्मण दास महाराज, बरवाला पीठाधीश्वर बालक दास महाराज एवं संघ के प्रांत कार्यवाहक खेमाराम भी रहे उपस्थित। कुचामन सिटी में गश्त के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी की विशेष टीम ने अवैध खनन परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। डीएफओ ज्ञानचंद की रेंज के अधीन नाका कुचामन सिटी में गश्त के दौरान अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई। कार्रवाई में वन विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई टीम ने भी गश्त के दौरान पकड़े खननकर्ता। कुचामन सिटी के निकटवर्ती मीटड़ी कस्बे में रविवार को हिंदू नववर्ष के आगमन पर नव जागृति शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। आयोजन में पूर्व सरपंच एवं समाजसेवी लोकेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से आयोजन को बनाया सफल तथा बताया कि कुमावत मोहल्ला स्थित शिव मंदिर परिसर विकास समिति अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भारत माता की झांकी की पूजन कर शोभा यात्रा को किया रवाना। शोभा यात्रा में सबसे आगे गजराज पर सवार रही भारत माता की झांकी। कुचेरा में भंडारी सदन में रविवार सुबह 11:30 बजे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन त्यागी संत हेतराम महाराज ने किया कथा प्रवचन। साथ ही वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित हेमंत कृष्ण शास्त्री ने राजा परीक्षित के जन्म, भगवान सुखदेव के जन्म तथा भगवान शंकर द्वारा माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की कथा का किया गया वर्णन। न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।